अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एमएस एक्सेल डिलीटिंग एंड रीनेमिंग अ न्यू वर्कशीट। ठीक है, हम लोग एक्सेल में पहले ऐड करना सीख रहे हैं। पहले हमने सीखा ऐड कैसे करते हैं शीट को, अब नेक्स्ट है कि हम एक शीट को रीनेम कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। फर्स्टली वी ओपन एमएस एक्सेल एप्लीकेशन एंड देन वी प्रोसीड नेक्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास है एक शीट, ये देखिए एमएस एक्सेल की एक शीट है। तो हम इसको सबसे पहले किसी भी शीट, अगर हमने यहाँ पे कोई ऐड की है शीट, शीट फोर शीट थ्री, तो हमने उसको रिमूव करना है। तो पहले हम जाएंगे जहाँ से हमने इंसर्ट बार के ऊपर, ये देखिए होम टैब के अंडर यहाँ पे इंसर्ट बार लिखा हुआ है, ये हम इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट, थ्री ऑप्शंस हैं इंसर्ट से डिलीट से एंड फॉर्मेट से। डिलीट ऑप्शन से हम डिलीट सेल्स, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम्स एंड डिलीट शीट, जो हमने शीट एंटर की है, हमने ऐड की है, उसको हम डिलीट शीट जब क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से हमारे पास जो शीट नंबर फोर थी वो डिलीट होगी। अब फ़र्ज़ करें हमने शीट नंबर फाइव डिलीट करनी है, तो फिर हम अगेन डिलीट के ऊपर जाएंगे, डिलीट से डिलीट शीट कर देंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ से रिमूव हो गया, डिलीट फोर एंड फाइव जो हमने ऐड शीट डिलीट करना चाहिए थी वो हमने डिलीट बटन से डिलीट शीट की मदद से डिलीट कर दी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है कि हम एक वर्कशीट को रीनेम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, हम माउस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आएंगे कि रीनेम, शीट वन के नेम से हमारे पास ऑप्शन है, तो हम जब उसको क्लिक करेंगे तो उसको क्लिक करके हम रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, ये चंद मेथड हैं जो कि हम एम एस एक्सेल में शीट कैसे एंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं और उसको रीनेम कैसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,